कौन से कट करोगे आगे से? मतलब मेरे को पीछे से नहीं कटवाना। क्या चीटी को आटा डाल रहे? चोटी राम जल्दी से नहा ली, मतलब घर पे पूजन भी कर ली और अब हम जाने वाले हैं मंदिर। कल नहीं गए थे, मतलब पिछले वाले व्लॉग में आपने देखा ही होगा। और आज भी मैंने सूट वेयर किया है जो कि काफ़ी सुंदर है। इसके चलो कानो। मंदिर से आए और मंदिर से आके और फिर खाना वाना खाया, फिर रेस्ट किया। अभी बच गए हैं वैसे 4। मैं जाने वाली हूँ बाहर, कहाँ जाने वाली हूँ ये भी बहुत जल्दी पता चलेगा, मतलब थोड़ी सी देर में ही पता चल जाएगा। और अभी रिंकू भाभी बना रहे हैं चाय और वो भी जाने वाले हैं पुराने घर पर। हम नींद में सो उठे हैं भैया, हमारी चेकअप कुछ ऐसी हो रही है, अभी हम तैयार होंगे थोड़ी देर बाद। कभी कभी इन्होंने मेकअप कर रखा है, फेस पाउडर लिपस्टिक, इसीलिए थे गोरे। जब देखो आपने मेकअप कर रखा, मैंने मेकअप नहीं करा तो भी आपसे ज्यादा गोरी हूँ। ओ भाई सही से बताना कमेंट में, मैं गोरी हूँ या रात में गोरी? ठीक है। आज मैं पहली बार बस से कहीं जाने वाली हूँ, मतलब अकेली, वो भी या तो मैं अपनी बुआ के ही जाती थी बस में, जो भी एक बस ही होती है और वो भी ड्राइवर अंकल हमारे को जानते हैं इसलिए भेजते थे पापा। और आज मैं अभी पहले तो पापा से मिल के फिर जाऊँगी, पता नहीं अभी तो क्या होगा, कैसे जाऊँगी, पर निकल तो गई हूँ मैं मेरा बैग पैक करके। जैसा कि मैं पहले बता ही रही थी कि मेरे पापा जाने नहीं देते हमारे को ऐसे, तो पूरे आधे घंटे तक उन्होंने दुकान में मतलब मेरे को रोक के रखा। बड़ा दुखने लग गया है। पहुंच गए हैं हम भाई साहब, अब हमारे को बस में बिठाएंगे। सकल सकल भाभी शायद सो रहे हैं, देखे okay। तो मैं पहुंच गई हूँ भाभी के घर, मतलब कि डिपो पे उतरी, डिपो से मेरे को प्रफुल भैया लेके आए
और अब मैं फाइनल फुल एंड फाइनल वाला एक डेढ़ मतलब कि डेढ़ घंटा तो लगा मेरे को आने में। ये लो। हाय हेलो। तो फाइनली आ गई है। नहीं आऊं नहीं आऊं नहीं आऊं अरे मेरे तो किससे ही सुनो जवाब वो जोरदार। तो आते ही मेरी वो बी ड्रेस चेंज और इन्होंने भी कर ली है। वैसे मैं नहा के आई हूँ, इतनी गर्मी लग रही थी कि नहा के आई एकदम चेहरे पे कितना अच्छा ग्लो दिख रहा है मेरे। हाय हाय ऐसे ग्लो ग्लो कर रहे थे जो पूरे मुंह पे दाग। और अभी तो हम कर रहे हैं खाने की तैयारी और उधर मम्मी जी हमारे दिए बत्ती पूजा प्रफुल भैया छोड़ने वाले हैं मेरे को शूट के लिए। मेरा आज फोटो शूट है उसके लिए पार्लर पर और ये यहीं पर है। मेरे को नहीं मेरे साथ नहीं जा रहे हैं मतलब ये आएंगे मन से मिलने रात को वापिस आऊँगी मैं तो। जीजू चलो चलो जाओ बाय। लंबा सा सफर तय करके आंटी जी से मिल ली हूँ और आ गई हूँ आंटी जी के पास। अब हमारा शुरू होने वाला मेकअप, उससे पहले थोड़ी सी तैयारी थ्रेडिंग वगैरह की। तो मैं आ गई थी परसों और अब मैं वापस आज जा रही हूँ। कल का मेरा शूट था जो हो चुका है और उसका अलग से ब्लॉग आने वाला है तो आप देखते रहिए। और अभी मैं वापस यहाँ से रिटर्न जाने वाली हूँ। कहाँ 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 जाने वाले हैं अभी तो देखते जाओ। मैं तो चिकाड़ा के बाद भी हो रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाऊंगी। चिकाड़ा से पहले भी बहुत सारी जगह है तो। हाँ तो देखते रहिए। मतलब ड्रेसें दो ही लेके गई थी जो कि एक मैं सूट वियर करके गई और एक ये, तो मैंने वापस से नेक्स्ट डे भी यही वियर की है। सो आप कंफ्यूज ना होए कि एक ही दिन का चल रहा है, नहीं ये सेकंड डे है। सो देखते रहिए। बाय बाय। बहुत ज़्यादा स्किन केयर करता हूँ मैं, ठीक है ना। मैं काला नहीं पड़ जाऊँ, मेरे टैनिंग हो जाएगी। प्रफुल भैया के मुँह पे टैनिंग हो रही है। मैं काला पड़ जाऊँगा। देख काला तो मैं अभी से हूँ, काला कट कर जाऊंगा। मैं स्किन केयर करता हूँ, स्किन केयर टैनिंग नहीं होता। हाँ हाँ सही। बाय। डबल एन आई एन जी वो हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी बाय। मेरे को वापस से प्रफुल भैया ने छोड़ा है कि पार्लर पर, क्योंकि मेरे को यहाँ पर भी काम था। कल प्रॉपर तो नहीं हुआ था क्योंकि शूट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। सो आज मेरे हेयर कट बाकी हैं तो आंटी जी आज मेरे हेयर कट करेंगे। और बहुत सारी डिमांड्स भी रहती है, दीदी आप बताओ कौन सी हेयर कट करवाते हो, तो आंटी जी से बताऊँगी मैं, मतलब उनसे पूछेंगी वो मेरी हमेशा कौन सी कट करते हैं हेयर कट ना मेरे बालों को सही से। मतलब पहले मैंने तेल ऑयल भी मैंने रात को नहीं डाला था, मॉर्निंग में डाला। हाँ अच्छा। फिर मॉर्निंग में डाल के शैम्पू से वॉश करके दो दो तीन तीन बार कंडीशनर किया मैंने, तब जाके मेरे वापस बाल खुल गए। कौन सी कट करोगे आगे से आंटी जी? मतलब मेरे को पीछे से नहीं कटवाने। पीछे से नहीं कटवाने, एक बार कट किया जो बहुत दिवाली के ब्लॉग में देखा होगा। अधूरा ही रहने दिया। बड़ी मुश्किल से मतलब छोटे नहीं करने ना आपके, इसलिए छोटे करने होते तो फिर वाह, छोटे नहीं करने, थोड़े-थोड़े से कटिंग करेंगे। घर और मतलब कि
बहुत थक चुकी हूँ मैं, कल का शूट और अभी भी वापस मॉर्निंग से ही निकली हुई हूँ। आंटी जी के यहाँ गई, आंटी जी के वहाँ से वापस डिपो गई, डिपो से वापस बस से मैं भातसोड़ा आई, भातसोड़ा से भैया लेने आए। मतलब धूप में हालतें वैसे ख़राब हो गई है मेरी दो दिन से बहुत ज़्यादा, तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी फिर सोचेंगी कहाँ जाना है क्या करना है ये चीज़ें बात की। क्या कर रहा है? अरे बुआ को बता ना। अरे क्या कर रहा है? भी जाने भी दूंगी मैं। क्या कर रहा है कानू बोल, क्या कर रहा है? चींटी को आटा डाल रहा है क्या? चींटी को आटा डाल रहा है? चोटी में आके मतलब सो गई थी, रेस्ट किया और अभी मतलब उठी और रिंकू भाभी और हम आए हैं चींटी को आटा डालने। क्या लग करने आया कानू? कानू डाल रहा है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये, सिर्फ कानू डालता है। क्यों कहना ये तो सुनता भी नहीं है किसी की वैसे। और थोड़ी ही देर में मैं भी अपना गेटअप चेंज करने वाली हूँ, मतलब साड़ी पहनने वाली हूँ। थोड़ी सी देर, बस थोड़ी सी देर। गिर गया जाना है पापा के साथ, सुई लगवा के लाएंगे तेरे को। हाँ, जाना है ना। तो फाइनली मेरी छुट्टी होती है खत्म। तो लास्ट मेरी जो जहाँ पर स्टेशन है मेरा स्टॉप है वहाँ पहुँच चुकी हूँ मैं, आ गई हूँ ससुराल। मतलब सारी छुट्टियाँ ख़त्म, चित्तौड़ जाना आना सब हो गया है। और ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरा जो शूट हुआ है उसका भी ब्लॉग मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। सो आप देखते रहिए, बने रहिए, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे, आपको फोटो में दिखाऊँगी, देखना आप। बहुत प्यारे खींचे हैं वैसे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा उन्होंने किया था आंटी ने। बस मेरा फेस थोड़ा ठीक हो जाए तो होप। मेकअप तो वैसे आंटी जी ने बहुत अच्छा किया था, मेरे सारे दाग छिपा दिए उन्होंने, और पिंपल भी इतने कुछ दिख नहीं रहे थे, पर अब लग रहा है कि अब थोड़े और ज़्यादा निकल गए हैं मेकअप से। तो मैं अब बस वही अपने फेस पर थोड़ा अच्छे से ट्रीट करूँगी, ट्रीटमेंट लेंगे, सही करेंगे फेस को। और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं जो पीछे मैंने ब्लॉग अपलोड किया है उसमें, कि दीदी आप इन डॉक्टर से लीजिए, इन डॉक्टर से लीजिए, इनसे कांटेक्ट कीजिए। तो थैंक यू सो मच, मैं ज़रूर उनका ट्राई करूँगी, और हुआ तो पॉसिबल मैं बिल्कुल आपको भी बताऊँगी। सो थैंक यू।